वंदे मातरम साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे और आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा पुलिस मेल कॉन्स्टेबल से रिलेटेड जितने भी कैंडिडेट हैं। साथियों, आपकी आंसर की जारी कर दी गई है, ये आप सभी को अच्छे से क्लियर है, ठीक है। फिजिकल के लिए आपकी नई कट ऑफ कितने नंबर पे रहने वाली है, यह हम ये कह सकते हैं कितने नंबर वाले को यहाँ पे फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। आप सभी को क्लियर है, आंसर की आने के बाद लगभग स्टूडेंट के नंबर यहां पे कम होते हैं, ठीक है। तो इसके आधार पे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे नई कट ऑफ कितने नंबर पे आपका फिजिकल आ सकता है, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्शन का जो लिंक है ये कब एक्टिवेट होगा, ठीक है, और ऑब्जेक्शन आपको किस प्रकार से लगाना है, ठीक है, ये सभी प्रकार के जो डाटा है इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों, ये HSC के द्वारा नोटिस जारी किया गया था 8 तारीख को, ठीक है। आप यहाँ पे इजीली चेकआउट कर सकते हैं आपके जो ऑब्जेक्शन है कब से लगने शुरू हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ 10/11/2021 से 12/11/2021, यानी कि प्यारे साथियों आपका जो ऑब्जेक्शन है ये 10 नवंबर यानी कि आज से लगने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। 10, 11 और 12 नवंबर, 12 नवंबर के साथियों शाम के 5 बजे तक आपका ये लिंक एक्टिवेट रहेगा, ठीक है। इन 3 दिनों में आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है आपको यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाना है, ठीक है। ऑब्जेक्शन किस प्रकार से लगाना है साथियों, HSC ने अगर किसी क्वेश्चन को गलत मान रखा है और आपको इसका अच्छे से आंसर क्लियर है, आपने यहाँ पे जो आंसर को सही माना है और HSC ने यहाँ पे गलत माना है, तो आपका जो आंसर है वो NCERT की बुक में मिलना चाहिए, ठीक है। प्रूफ के तौर पे लगाएंगे तो या तो NCERT की बुक होनी चाहिए या कोई ऑफिशियल डाटा होना चाहिए, ठीक है। और मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आप किस प्रकार से लगा सकते हैं, क्योंकि इनके साथियों NCERT की बुक या किसी भी ऑफिशियल डाटा पर एज इट इज प्रश्न नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पे A4 पेज लेना है और जिस भी क्वेश्चन में डाउट है HSC ने गलत मान रखा है और आपको क्लियर है कि ये आंसर बिल्कुल सही है, तो उसको A4 पेज पे आपको अच्छे से नोट डाउन करना है, अच्छे से सोल्व आउट करना है, ठीक है। उसको ऑब्जेक्शन में आपको लगाना है, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है आपने अच्छे से चेकआउट कर लिया होगा और जितने क्वेश्चन हमें मिले जिसमें डाउट लगा सकते हैं ये सभी प्रश्न हम आपको प्रूफ के साथ अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे शेयर कर देंगे, आप वहां से इन्हें इजीली चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारी साथियों, ये बात तो रही आपके ऑब्जेक्शन कब से लगेंगे, 10 नवंबर यानी कि आज से इसकी शुरुआत हो जाएगी, 10, 11, 12 नवंबर को शाम के 5 बजे तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्शन सभी को लगाना है ये क्लियरली ध्यान रखेंगे, ये नहीं है किसी एक कैंडिडेट ने लगा दिया तो जिसने यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाया उसी को इसका फायदा मिलेगा, ठीक है। जिसने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया इसको इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। और जैसे इसका लिंक एक्टिवेट होगा आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्यारे साथियों, अगर आपके पास कितने नंबर आपके सही है तो फिजिकल के लिए यहाँ पे आपकी कॉल आ सकती है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें प्यारे साथियों जर्नल से रिलेटेड जितने भी कैंडिडेट है, अगर प्यारे साथियों आपके यहाँ पे 48 से 50 के बीच में पर्सन करेक्ट है, ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ पे क्वेश्चन यानी पर्सन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 48 से 50 के आसपास आपका स्कोर है तो आपके यहाँ पे फिजिकल के लिए कॉल आ सकती है, ठीक है। जर्नल से रिलेटेड जितने भी कैंडिडेट हैं और जो भी यहाँ पे हम नंबर बताने की कोशिश करेंगे साथियों, इसमें 2 प्लस माइनस हो सकते हैं, ठीक है। 1 या 2 नंबर नीचे भी हो सकते हैं, 1 या 2 नंबर ऊपर भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें EWS रिलेटेड जितने भी कैंडिडेट हैं साथियों, अगर आपके यहाँ पे 49 से 51 के आसपास स्कोर है तो आपका यहाँ पे फिजिकल के लिए कॉल आ सकती है, ठीक है। EWS की साथियों जर्नल से ज्यादा होती है PST के लिए, बाद में इसकी कम हो जाती है, ठीक है। इसके बाद BCA से रिलेटेड जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आपके 40 से 48% यहाँ पे करेक्ट है तो आपके भी यहाँ पे फिजिकल कॉल आ सकती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें BCB से रिलेटेड जितने भी कैंडिडेट है, अगर आपके यहाँ पे 45 से 47, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा साथियों, लगभग BCA और BCB का सेम सी प्रोसेसिंग रहेगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथियों SC से रिलेटेड जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आपके यहाँ पे 42 से 44% करेक्ट है तो आपके भी यहाँ पे फिजिकल के लिए कॉल आ सकती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथियों एक्स सर्विस मैन से रिलेटेड जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आपके यहाँ
36 से 38 प्रश्न आपके राइट है, तो आपके भी यहाँ पे फिजिकल के लिए कॉल आ सकती है। ठीक है प्यारी साथो, जो ये कट ऑफ हमने बताने की कोशिश की है ये 100 प्रश्नों में से रहेंगी। ठीक है, अगर आपके इतने नंबर के आसपास स्कोर है तो साथियों आपके फिजिकल के लिए कॉल आने की संभावना रहेगी। ठीक है, नंबर में 2 प्लस माइनस आप यहाँ पे कर लेना। ठीक है, अगर प्यारी साथियों इनसे ज्यादा नंबर कम है, 4 नंबर 3 नंबर, तो साथियों जब तक रिजल्ट नहीं आए तब तक आपको यहाँ पे फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू रखना है। ठीक है, क्योंकि ये केवल एक अनुमान लगाया जाता है साथियों, रिजल्ट वाले दिन किसको क्या मिलेगा ये किसी को कंफर्म नहीं है। ठीक है, ये केवल एक अनुमानित डाटा होता है। ठीक है, तो रिजल्ट का आप वेट कीजिएगा, जब तक रिजल्ट नहीं आए तब तक सभी को अच्छे से यहाँ पे तैयारी करनी है। ठीक है, और आपका जो फिजिकल है साथियों ये मैक्सिमम मान के चलिएगा 20 तारीख के आसपास आपका फिजिकल की प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और आपकी जो पीएचटी की कॉल है साथियों 10 से लेकर 12 तक आपके ऑब्जेक्शन लगेंगे, 12 के बाद मैक्सिमम मान लीजिए 13 या 14 को आपको यहाँ पे क्लियरली बता दिया जाएगा आपका पीएचटी कब होगा। ठीक है प्यारे साथियों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी अपडेट है, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने साथियों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।